हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय लेक्चर्स, स्टेटस लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम जो इम्यूनोलॉजी का टॉपिक जो सीरीज चला रहे थे उसमें एक कंटिन्यूशन टॉपिक का लेकर आए हैं जिसका नाम है मेजर हिस्टोकंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। मेजर हिस्टोकंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि जिसे हम MHC के नाम से भी जानते हैं। MHC इटसेल्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनोलॉजी पढ़ने का, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम का, इम्यूनिटी का एक बहुत मेजर हिस्सा MHC से बनता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि सिनॉप्सिस में क्या क्या देखेंगे। हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, MHC का स्ट्रक्चर, जो जीन्स MHC को कोड करते हैं, टाइप्स ऑफ MHC मॉलिक्यूल, फंक्शंस ऑफ MHC एंड रीसेंट स्टडीज। देखिए, सबसे पहले अगर हम MHC की बात करें तो MHC का फुल फॉर्म होता है मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यदि मैं शुद्ध भाषा में समझाऊं तो ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है एंटीजन प्रेजेंटेशन के लिए। मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, और मैं जब से ये इम्यूनोलॉजी की सीरीज चला रही हूँ तब से आपको बता रही हूँ कि जब भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स द्वारा एंगल्फ होता है और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स अपने सरफेस पे एंटीजन को प्रोसेस करके प्रेजेंट करते हैं, है ना। और मैंने ये भी बात आपको कंटिन्यूसली बताई है कि ये एंटीजन की जो प्रोसेसिंग होती है, ये एंटीजन कभी भी APC के सरफेस पर अकेला प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसे सबसे पहले टी सेल द्वारा रिकॉग्नाइज होना है, और टी सेल एंटीजन को तभी रिकॉग्नाइज करेगा जब एंटीजन MHC के साथ एसोसिएट होके कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो एंटीजन और MHC का कॉम्प्लेक्स जो है वो APC के सरफेस पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, यानी MHC जो है वो एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है, यदि मैं शुद्ध भाषा में, सबसे साधारण भाषा में इसे डिफाइन करूं तो MHC एक ऐसा ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे एंटीजन प्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, इसे हम MHC के नाम से जानते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के MHC होते हैं, MHC क्लास 1 और क्लास 2। और ह्यूमन बींग्स में ये जो MHC होता है ये जाना जाता है ल्यूकोसाइट, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से, क्योंकि ह्यूमन बींग में इसे ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ह्यूमन्स में जो MHC, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो अल्टीमेटली हम ये जानते हैं कि कोई भी प्रोटीन हो या ग्लाइकोप्रोटीन हो वो किससे कोड होता है, वो जीन से कोड होता है। ठीक है, तो क्रोमोजोम 6 पर उपस्थित जीन MHC को एनकोड करता है, है ना। ह्यूमन बींग में ध्यान रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन बींग में क्रोमोजोम नंबर 6 पर उपस्थित जीन MHC को कोड करता है। ईच जीन हैज एन अनयूजअली लार्ज नंबर ऑफ अलील, और हर जीन में बहुत सारे अलील होते हैं। अलील क्या होता है आप समझते होंगे, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ अ जीन इज नोन एज अलील। ठीक है, तो वो अल्टरनेट प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, मगर हमें ये याद रखना है कि MHC क्या है। यदि हम शॉर्ट भाषा में समझें या कोई हमसे पूछे कि MHC क्या होता है, तो हमें ये बताते आना चाहिए कि MHC एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन है जिसका फुल फॉर्म मेजर हिस्टोकंपेटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है, जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर एंटीजन प्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, और ये टी सेल्स जो होते हैं वो एंटीजन को तभी रिकॉग्नाइज करते हैं जब एंटीजन MHC के साथ कॉम्प्लेक्स बना के प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर यदि MHC का हम बात करें तो कैसा होता है, क्योंकि MHC एक प्रोटीन है वो अल्टीमेटली जीन्स के डायरेक्शन से कोड होता है ना। ये नहीं कह रही मैं कि जीन्स उसे कोड करते, नहीं, जीन डायरेक्शन देते हैं। ये तो आप जानते हैं, DNA का रेप्लिकेशन होता है, DNA से mRNA का फॉर्मेशन होता है और mRNA से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, है ना। लेकिन जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल है MHC की कोडिंग के लिए वो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 6 पे होते हैं, और जहाँ तक मेरी याददाश्त जा रही है, एक माउस के अंदर ये शायद क्रोमोसोम नंबर 17 पर होते हैं, है ना, एक बार और ये चेक कर लेंगे, पर ह्यूमन के अंदर ये क्रोमोसोम नंबर 6 पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब यदि हम स्ट्रक्चर देखें MHC मॉलिक्यूल का, तो द क्लास 1 मॉलिक्यूल इज अ ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन कंसिस्टिंग ऑफ टू चेन्स, अल्फा चेन ऑफ हैवी एंड नॉन कोवेलेंटली एसोसिएटेड विद अ लाइट चेन कॉल्ड बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। सीधे हम आ जाते हैं इस डायग्राम पर। देखिए, ये
एमएससी क्लास वन है। एमएससी क्लास वन में आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको दो चेन्स दिखेंगी, एक अल्फा चेन और एक बीटा चेन। यदि आप क्लास वन का स्ट्रक्चर देखें तो आप चार डोमेन यहाँ देख पा रहे हैं, जो अल्फा है उसका अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री और एक बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन। ठीक है, इसके नीचे आपको एक ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट दिख रहा होगा, ये वाला जहाँ मेम्ब्रेन बनी हुई है, और एक साइटोप्लाज्मिक टेल दिख रही होगी। ठीक है, तो यदि मैं शॉर्ट में बताऊं तो एमएससी क्लास वन का जो स्ट्रक्चर है वो यही है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अल्फा चेन जो होती है वो तीन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन में होती है, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, और एक ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट में होती है जिसके नीचे एक साइटोप्लाज्मिक टेल होती है। ठीक है, ये जो है दे आर एनकोडेड बाय ए बी एंड सी रीजन ऑफ एचएलए कॉम्प्लेक्स। ये जो हैं ये तीन रीजन से कोड होते हैं, ए बी एंड सी एचएलए कॉम्प्लेक्स के, एंड दे आर एक्सप्रेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मोस्ट सेल्स एक्सेप्ट एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, आप इस बात को बस ऐसे समझिए कि यदि क्लास वन का जो हम स्ट्रक्चर देखें तो हम उसमें क्लियरली देख सकते हैं कि दो चेन से एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है। जो अल्फा चेन है उसके तीन एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स हैं। यदि आपको याद होगा मैंने एक वीडियो डाल रखा है टी सेल रिसेप्टर का, उसमें ये तीन स्ट्रक्चर डिस्क्राइब कर रखे हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन क्या होते हैं। ये जो गोलेदार स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको डायग्राम में, दे आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन्स। ठीक है, और इसके नीचे ये जो आपको एक चेन एक्सटेंड होती हुई दिख रही है मेम्ब्रेन से, दिस इज नोन एज ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन, और ये जो चेन नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रही है इसको कहते हैं साइटोप्लाज्मिक टेल। तो क्लियरली क्लास वन एमएससी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि जो अल्फा चेन है उसके तीन भाग हैं, अल्फा वन, अल्फा टू और अल्फा थ्री, और एक ट्रांस मेम्ब्रेन सेगमेंट है जिसके नीचे एक छोटी सी साइटोप्लाज्मिक टेल है। ठीक है, ये जो पूरा है ये एचएलए कॉम्प्लेक्स के तीन रीजन्स होते हैं, ए बी और सी। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बीइंग में एमएससी इज नोन एज ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स, एचएलए कॉम्प्लेक्स। उसके तीन रीजन्स होते हैं जो कि इस पोर्शन के लिए एनकोड करते हैं, और एमएससी जो है वो लगभग किसी भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की, उसके सरफेस पे एक्सप्रेस होता है। देन एक भाग तो हो गया एमएससी का अल्फा चेन, अब यदि हम दूसरे भाग की बात करें तो वो होता है बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, जो दूसरा भाग होता है वो होता है बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल। ठीक है, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय डिफरेंट क्रोमोसोम्स, एसोसिएशन ऑफ अल्फा चेन विद बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन इज मस्ट फॉर इट इज मस्ट फॉर एक्सप्रेशन ऑफ क्लास वन मॉलिक्यूल ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक और पोर्शन है इस क्लास वन मॉलिक्यूल का जिसको कहते हैं बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन। ये बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन यदि नहीं हो अल्फा रीजन के साथ तो ये एसोसिएशन जो है इस पूरे कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी नहीं बन पाएगी, और बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन के बिना ये जो कॉम्प्लेक्स है ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, देन क्लास टू एमएससी मॉलिक्यूल्स। अब ये तो हुई क्लास वन की बात, यानी क्लास वन एमएससी के स्ट्रक्चर को आप समझ गए कि उसमें दो चेन्स होती हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन। जो अल्फा चेन होती है उसके तीन पार्ट होते हैं, अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री, और जो बीटा चेन होती है उसका एक माइक्रोग्लोबुलिन होता है जिसको हम बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन कहते हैं। ठीक है, अब इनका एसोसिएशन ही एमएससी क्लास वन के स्ट्रक्चर को उसका पूरा अस्तित्व प्रदान करता है। अब यदि हम बात करें क्लास टू एमएससी मॉलिक्यूल की, तो क्लास टू एमएससी मॉलिक्यूल्स आर आल्सो ट्रांस मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन एनकोडेड बाय सेपरेट एमएससी जीन्स। जो क्लास टू एमएससी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको एनकोड करने वाले अलग एमएससी जीन्स होते हैं, दे कंटेन टू डिफरेंट अल्फा एंड बीटा चेन्स ऑफ 33 एंड 28 केडी। इसमें दो अलग अलग चेन्स होती है अल्फा और बीटा, जिसमें अल्फा में 33 और बीटा में 28 केडी अमीनो एसिड्स होते हैं, और ये जो दोनों चेन्स हैं ये नॉन कोवेलेंटली बाइंडेड होती हैं। यहाँ हम इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं, अल्फा चेन और बीटा चेन दोनों के अंदर दो दो एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन आप देख पा रहे हैं, अल्फा वन अल्फा टू, बीटा वन बीटा टू, और ये दोनों इंट्रा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ना। यहाँ पर ये चीज़ लिखी भी हुई है कि दो चेन्स होती हैं, एक में 33 अमीनो एसिड्स होते हैं और एक में 28 केडी की चेन होती है। दे कंटेन टू डिफरेंट चेन्स ऑफ 33 एंड 28 केडी की, मतलब
दो अलग अलग वेटेज की दो चेन्स होती हैं और ये नॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड होती हैं, है ना, मतलब नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ी हुई होती हैं। फर्दर बोथ चेन्स फोल्ड टू गिव टू डोमेन, और दोनों चेन्स की जो फोल्डिंग है वो इस तरह से होती है कि दो अलग अलग डोमेन ये देती हैं। वन इज मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल डोमेन एंड द सेकेंड इज मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन। दो तरह के डोमेन ये देते हैं, मेम्ब्रेन प्रॉक्सिमल डोमेन और मेम्ब्रेन डिस्टल डोमेन। लाइक क्लास वन एमएससी मॉलिक्यूल, द क्लास टू मॉलिक्यूल ऑल्सो कंटेन्स ट्रांस सेगमेंट एंड ए साइटोप्लाज्मिक एंकर सेगमेंट। क्लास वन एमएससी मॉलिक्यूल की तरह क्लास टू मॉलिक्यूल जो है वो भी एक ट्रांस सेगमेंट कंटेन करता है और साइटोप्लाज्मिक एंकर सेगमेंट कंटेन करता है, ठीक है। जैसा ये आप देख रहे थे ना, क्लास वन में भी देखिए जैसा एक सिंगल चेन ट्रांस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही थी, क्लास टू में ये होगा कि दोनों की, अल्फा वाले पोर्शन की भी चेन ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन को क्रॉस करेगी और साइटोप्लाज्मिक ट्रेल बनाएगी, और बीटा वाले पोर्शन की भी चेन ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन को क्रॉस करेगी और साइटोप्लाज्मिक टेल बनाएगी, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपको, दोनों में ये चीज़ जो है ये कॉमन दिखेगी। ईच चेन ऑफ क्लास टू मॉलिक्यूल कंटेन टू एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन इन देयर चेन। दोनों के ही अंदर आप देख पा रहे हैं, जो क्लास टू है, यदि मैं मुख्य तौर पर दोनों के अंदर की बात करूँ तो एमएससी क्लास वन और एमएससी क्लास टू दोनों के ही स्ट्रक्चर में दो चेन होती हैं, अल्फा और बीटा। जो क्लास वन का स्ट्रक्चर है उसमें जो अल्फा चेन होती है वो अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री नाम के तीन डोमेन बनाती है और एक बीटा टू माइक्रोग्लोबुलिन डोमेन बनाती है। और इसका जो साइटोप्लाज्म ट्रांस, इसकी जो एक चेन होती है ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन को क्रॉस करती है और साइटोप्लाज्मिक ट्रेल जो होती है वो नीचे निकलती है। और जो क्लास टू एमएचसी मॉलिक्यूल है इसमें भी दो चेन होती है, अल्फा टू और अल्फा वन अल्फा टू, बीटा वन बीटा टू, मतलब कि चेन दो होती हैं अल्फा और बीटा, और दो दो डोमेन हर किसी में पाए जाते हैं, अल्फा वन अल्फा टू, बीटा वन बीटा टू। इसके बाद इसका एक ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन होता है जो कि मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है और एक साइटोप्लाज्मिक टेल होती है, है ना, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं ये दोनों चीज़ें। देन इसके बाद यदि हम बात करें टाइप्स की, टाइप ऑफ एमएससी, तो आप कई बुक्स में देखेंगे, देखिए आपको मिलेगा देर आर फोर टाइप ऑफ एमएससी मॉलिक्यूल, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री एंड क्लास फोर। पर क्लास थ्री एंड क्लास फोर इतने प्रचलित नहीं है, सो वी डू नॉट डिस्कस देम मोर ऑफन, ज़्यादातर हम उसकी बात नहीं करते हैं। हम बात करते हैं एमएससी क्लास वन और क्लास टू की, है ना। द मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस बाय मेजर हिस्टोकंपेटिबिलिटी जीन्स आर कॉल्ड हिस्टोकंपेटिबिलिटी एंटीजन। जो मॉलिक्यूल हिस्टोकंपेटिबिलिटी जीन द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, एमएससी को प्रोड्यूस करने वाला जीन हिस्टोकंपेटिबिलिटी जीन कहलाता है, अर्थात जो मॉलिक्यूल के हिस्टोकंपेटिबिलिटी जीन से प्रोड्यूस होता है वो मॉलिक्यूल कहलाता है हिस्टोकंपेटिबल एंटीजन, ठीक है। और ये दे आर लोकेटेड ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लिएटेड सेल ऑफ द बॉडी और इन द ब्लड सीरम। और इनका लोकेशन कहाँ होता है, बॉडी के न्यूक्लिएटेड सेल में या ब्लड सीरम में। हिस्टोकंपेटिबिलिटी एंटीजन जो होते हैं वो फोर टाइप के होते हैं जैसा मैंने बताया, लेकिन हम प्रायरली दो को डिस्कस करेंगे, जो दो सबसे यूनिक टाइप हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्यूनोलॉजी में यूज में आते हैं, एमएससी क्लास वन और क्लास टू। जो क्लास वन मॉलिक्यूल है दे आर फाउंड ऑन दी न्यूक्लिएटेड सेल्स स्पेशली लिम्फोसाइट एंड प्लेटलेट। ये कहाँ पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट और प्लेटलेट पे पाए जाते हैं। इम्यूनोजेनिक पेप्टाइड एमएससी क्लास वन कॉम्प्लेक्सेस आर प्रेजेंटेड ऑन न्यूक्लिएटेड सेल एंड आर रिकॉग्नाइज्ड बाय साइटोटॉक्सिक CD8 टी साइटोटॉक्सिक सेल्स, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, आप मेरा जो रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन वाला वीडियो है उसको देखिएगा तो आपको तुरंत क्लिक करेगा, मैंने वहां बताया कि इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेशन में पहले टी हेल्पर सेल्स का एक्टिवेशन होता है और फिर जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं वो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ये भी बताया गया है कि कोई भी टी सेल हो उस पर एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए TCR CD3 कॉम्प्लेक्स होता है, और MHC को रिकॉग्नाइज करने के लिए या तो अगर टी हेल्पर सेल है तो उसके ऊपर CD4 मार्कर होगा, और अगर टी साइटोटॉक्सिक सेल है तो उसके ऊपर CD8 मार्कर होगा। CD4 मार्कर जो है वो MHC क्लास सेकंड को रिकॉग्नाइज करता है और CD8 मार्कर जो है वो MHC क्लास फर्स्ट को रिकॉग्नाइज करता है। तो क्लास
वन एमएचसी मॉलिक्यूल जो है सदैव याद रखिएगा, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टी साइटोटॉक्सिक सेल जिसमें मार्कर होता है CD8। ठीक है, ये जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें एंटीजेंस जो कहलाते हैं वो ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजेंस कहलाते हैं। ये सबसे पहले ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स में है ना, ह्यूमन WBCs में, ह्यूमन ल्यूकोसाइट्स में, ब्लड सेल्स में आइडेंटिफाई करे गए थे। दैट इज वाई दे आर नोन एज ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन है ना। देन दीज एंटीजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राफ्ट रिजेक्शन। ये जो एंटीजन है ये ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और ये एंटीजन ट्रांसप्लांट एंटीजेंस या हिस्टोकम्पेटिबल एंटीजेंस कहलाते हैं। ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। कभी भी आप इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्टिव आएगा तो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन रिएक्शन पर क्वेश्चन जरूर आएगा। ट्रांसप्लांट का मतलब होता है कि हम कहते हैं ना कि एक की किडनी दूसरे को नहीं दी जा सकती। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब होता है तो बहुत सारी चीज़ें मिलाई जाती हैं। वो कहा जाता है ना, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं और भी बहुत से टेस्ट हो रहे हैं। तो मेन फंडा क्या होता है, जब एक का ऑर्गन हम किसी दूसरे को देते हैं ना, तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि दो लोगों जिसका ऑर्गन हम जिसको दे रहे हैं उन दोनों का ये MHC मैच होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरी बॉडी में आपका ऑर्गन दे दिया गया तो मेरी बॉडी आपके ऑर्गन को फौरन मानेगी, क्योंकि मेरे टी सेल्स को ये ट्रेनिंग नहीं दी गई है कि वो आपके MHC को पहचाने। आप यदि मेरा टी सेल वाला वीडियो देखेंगे तो बहुत स्पष्टता से वहाँ एक बात बार बार कही गई है कि केवल थाइमस में वही टी सेल मैच्योर होता है जो सेल्फ MHC और फॉरेन एंटीजन को रिकॉग्नाइज करना सीखता है। ठीक है, तो अगर मेरी बॉडी में आपका कोई भी ऑर्गन डाला जाएगा तो मेरी बॉडी आपके ऑर्गन को फौरन मानेगी और उसके खिलाफ इम्यून रिस्पांस दे देगी। इसीलिए कहा जाता है कि किसी की किडनी किसी में ट्रांसफ़र करने से पहले बहुत सारे टेस्ट लगाए जाते हैं और बहुत सारे पैरामीटर्स मिलाए जाते हैं, है ना, ये बात कही जाती है। तो इसीलिए ये जो है आपका ऑर्गन या किसी भी एक का ऑर्गन दूसरे की बॉडी में तब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता जब तक कि उनके MHC मैच ना हो, और MHC या तो सिर्फ जेनेटिक रिलेटिव्स में या मदर टू चाइल्ड मैच होने का चांस होता है। अदरवाइज आपका जो ऑर्गन है वो किसी दूसरे की बॉडी में जाएगा तो उस दूसरे की बॉडी में वो एंटीजेनिक माना जाएगा। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए जो टी सेल का मैच्योरेशन और डिफ्रेंसिएशन का वीडियो मैंने डाल रखा है अपने चैनल पे, वो देखिएगा। ठीक है, देन इसके बाद जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल होता है वो भी, अगेन जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल होता है ध्यान रखिएगा, इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय टी हेल्पर सेल, बिकॉज टी हेल्पर सेल पर CD4 मार्कर होता है जो MHC क्लास 2 को रिकॉग्नाइज करता है, और TCR CD3 होता है जो कि एंटीजन को रिकॉग्नाइज करता है। एक बात ध्यान रखिए, टी सेल के वीडियो पे जाइए, ये सब बातें आपको क्लियरली मिलेंगी कि टी सेल के ऊपर हर टी सेल, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ टी सेल, TC, TS, TD एंड TH है ना, हर टी सेल के ऊपर TCR CD3 कॉम्प्लेक्स होता है जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल द्वारा प्रेजेंटेड एंटीजन को पहचानता है, और टी हेल्पर सेल पर क्या होता है CD4 मार्कर जो कि एंटीजन के साथ प्रेजेंटेड MHC क्लास 2 को पहचानता है, और TC सेल पर होता है CD8 मार्कर जो कि MHC क्लास 1 को पहचानता है। ठीक है, ये चीज़ें आप एक बार टी सेल के डेवलपमेंट और मैच्यूरेशन का वीडियो देखेंगे तो क्लियरली समझ में आएंगी। नाउ वी कम टू द रोल ऑफ MHC, क्या महत्व है MHC का। जितना इम्पॉर्टेंट इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेशन में टी सेल है, ठीक उतना ही इम्पॉर्टेंट इम्यून रिस्पॉन्स के जनरेशन में है MHC मॉलिक्यूल। ठीक है, MHC मॉलिक्यूल का भी उतना ही महत्व है जितना कि टी सेल का है ना। क्यों? क्योंकि मैंने आपको शुरू से बताया है कि जब भी हमारी बॉडी में एंटीजन एंटर करता है तो उसका सर्वप्रथम कांटेक्ट होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से, वहाँ वो डिग्रेड होता है, एंटीजन टूटता है और अपनी सतह पर एक्सप्रेस कर दिया जाता है MHC क्लास 2 के साथ। सामने से टी हेल्पर सेल आता है जहाँ TCR CD3 होता है एंटीजन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और होता है साथ में CD4 मॉलिक्यूल जो कि MHC क्लास 2 को रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो इसी से एक्टिवेशन होता है टी हेल्पर सेल्स का, और मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि जब तक टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा
तब तक इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी लेवल पर जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले बात करें क्या फंक्शन होगा एमएससी का। देखिए, सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ एचएलए। जो एमएससी के जीन्स होते हैं वो एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं, एमएससी का प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग के अंदर ह्यूमन ल्यूकोसाइट एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स इसी जीन की मदद से बनता है। ठीक है, और ये ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि अगर किसी की भी बॉडी का एमएचसी आपकी बॉडी में फॉरेन रीड होगा तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स कर देगी। इसी आधार पर किसी एक का ऑर्गन आप बिना एमएचसी मैच किए दूसरे की बॉडी में नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन हो गया ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन। देन प्रोडक्शन ऑफ इम्यून एसोसिएटेड एंटीजन। जितने भी इम्यून एसोसिएटेड एंटीजन होते हैं, जो कुछ एंटीजन आपको पता होगा आरबीसी के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिनसे हम ब्लड ग्रुप करस्पॉन्ड करते हैं, तो एमएससी प्रोड्यूसिंग जीन्स ही ऐसे एंटीजन्स के प्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देन कंट्रोल ऑफ द लेवल ऑफ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट। जितने कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं हमारे ब्लड में, आपको मैंने जब इननेट इम्यूनिटी पढ़ाई थी तब बताया था कि कॉम्प्लीमेंट वो सीरम प्रोटीन होते हैं जो कि ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में घूमते हैं और समय आने पर एक्टिवेट होते हैं, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं और एंटीजन के एलिमिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ऐसा करने के लिए, इस चीज़ के लिए जो एमएचसी है उसके जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं, एमएचसी के जीन्स की ज़रूरत होती है ना। तो एमएससी कॉम्प्लीमेंट के कंपोनेंट्स को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, एचएलए कॉम्प्लेक्स हेल्प्स इन टी सेल रिकॉग्निशन। एमएससी यदि नहीं हो तो टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन ही नहीं होगा, बिकॉज देर इज अ मैंडेटरी फैक्ट अबाउट टी सेल्स दैट टी सेल्स विल नॉट रिकॉग्नाइज एंटीजन अनटिल एंड अनलेस एंटीजन इज इन एसोसिएशन विद एमएससी क्लास वन और क्लास टू। अर्थात कोई भी टी सेल एंटीजन को केवल तब पहचान सकता है जब एंटीजन एपीसी के सतह पर एमएचसी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाकर प्रेजेंट होता है। अगर ऐसा नहीं करेगा तो एंटीजन और एमएससी का कॉम्प्लेक्स जो है टी सेल द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं होगा और टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा। टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन नहीं होगा तो इम्यून रिस्पॉन्स का जनरेशन नहीं होगा। देन ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट रिजेक्शन वही है जो मैंने ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के नाम से आपको थोड़ी देर पहले समझाया। एमएससी यदि सेल्फ नहीं हो, एमएससी अगर आपकी बॉडी में एक कोई ऑर्गन आया बाहर से, अगर उसका एमएससी आपकी बॉडी फॉरेन मानती है तो आपके टी सेल्स उसके खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देंगे। वो केवल आपकी बॉडी में सेल्फ तब रिकॉग्नाइज होगा जब जिससे ऑर्गन आया है उसका और आपका एमएससी सेम हो, सेम जीन्स द्वारा इनकोडेड हो। वो केवल जेनेटिक रिलेटिव्स में होता है या मदर टू चाइल्ड होता है, ट्विंस में होता है। ठीक है, ये भी संभावना है, 100% श्योर नहीं है कि मैच हो ही जाएगा। ठीक है, लेकिन ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए जो मेन चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है एमएचसी मॉलिक्यूल। देन नॉन इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन ऑफ एमएचसी। जो इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन है वो तो मैंने आपको सब बता दिए। नॉन इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन होता है, जैसे माइस में देखा गया है कि बॉडी वेट कंट्रोल करने में काम करता है, बट ये सब चीज़ें ह्यूमन में इतनी कॉमन नहीं है। तो ह्यूमन में तो मेन आपका यही है कि पूरा इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेशन है वो एमएचसी पर टिका हुआ है, क्योंकि एमएचसी कॉम्प्लेक्स बनाएगा CD4 के साथ तभी टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन होगा। अगर CD4 एमएचसी का कॉम्प्लेक्स स्टेबल कहीं नहीं है तो TCR, CD3 और एंटीजन का भी स्टेबल कॉम्प्लेक्स नहीं होगा और टी हेल्पर सेल का भी एक्टिवेशन नहीं होगा। टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन नहीं हुआ मतलब इम्यूनिटी आगे प्रोसीड नहीं करेगी। ठीक है, देन रिसेंट स्टडी 2017 में ये देखा गया कि फैक्टोरियल डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और लॉन्गिट्यूडनल मेजरमेंट एमएचसी जीन्स का किया गया। देन 2021 में अभी लेटेस्टली एक चीज़ देखी गई है कि इम्यून मैल टू प्रैक्टिस ब्रेस्ट कैंसर के अंदर एमएससी क्लास वन का रोल देखा गया है कि एमएससी क्लास वन मॉलिक्यूल अगर डिग्रेड हो रहा है तो इट इज़ लीडिंग टू ब्रेस्ट कैंसर। ठीक है, देन कंक्लूजन
में हम कह सकते हैं कि इन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर एज ऑफ एन ऑर्गन और स्टेम सेल एमएससी मॉलिक्यूल एक्ट देमसेल्व एज एंटीजन। एमएससी मॉलिक्यूल जो है वो स्वयं ही एंटीजन की तरह बिहेव करते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को प्रमोट करते हैं और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एमएससी मॉलिक्यूल आइडेंटिफाई होते हैं और उनका जो रोल है ट्रांसप्लांट रिजेक्शन में वो भी आइडेंटिफाई किया गया है काफ़ी समय में, है ना। देन एमएससी मॉलिक्यूल ज़रूरी हैं इम्यूनिटी के जनरेशन के लिए, है ना। फर्स्ट एमएससी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो पॉलीजेनिक होते हैं, उनमें डिफरेंट क्लास एमएससी के क्लास वन क्लास टू के जीन्स होते हैं, दोनों ही तरह के मॉलिक्यूल जो है वो एनकोड होते हैं। यदि मैं इसे अपनी शब्दावली में समअप करूँ तो आप इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि एमएससी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्लाइकोप्रोटीन है जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर एंटीजन प्रेजेंट करने के लिए अत्यंत आवश्यक है और जो मुख्य काम करता है एंटीजन प्रेजेंटेशन का। यदि एमएससी के साथ एंटीजन का कॉम्प्लेक्स एपीसी की सतह पर प्रेजेंट नहीं होगा तो टी हेल्पर सेल उसे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, टी हेल्पर सेल एक्टिवेट नहीं होगा। टी हेल्पर सेल यदि एक्टिवेट नहीं हुआ तो इम्यून रिस्पॉन्स किसी भी लेवल पर जनरेट नहीं होगा, न सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो कि टी सी सेल द्वारा जनरेट होता है और न ही टी हेल्पर सेल से बी सेल का एक्टिवेशन होगा और ह्यूमरल रिस्पॉन्स का जनरेशन होगा, है ना। तो एमएचसी का की उपस्थिति इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करने में मददकारी होती है क्योंकि तभी टी हेल्पर सेल का एक्टिवेशन होगा जो फर्दर इम्यून रिस्पॉन्स को रेगुलेट कर सकता है। तो ये था एमएससी और उसका रोल। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। जैसा भी है आपका फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू वेरी मच।